आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये अपने जो तर्कस में तीर बचे हैं बीजेपी के पास वो सारे छोड़ रही है सीबीआई और ईडी के माध्यम से। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं कि ये स्वार्थी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, ये सारे जेल जाएंगे, एक भी बार नहीं बचेंगे। जितने भी लीडर आज स्वार्थ की राजनीति करते हैं इनमें से कोई नहीं बचेगा, एक हुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा, और वो इसलिए बचेगा कि वो भाजपा के इशारे पे सारा दिन काम करता है, भाजपा से मिला हुआ। तो यही कारण है कि जो कांग्रेस उसका संगठन नहीं बन रहा है। और क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा से मिला हुआ। किस तरह की मिली भगत है चौधरी साहब? अभी तक भी तुम्हें नहीं पता चली, तुम कहाँ रहते हो तो बताओ, तुम कहाँ के पत्रकार हो? इस तरह की मिली भगत है कि हम ये माने कि बीजेपी के साथ मिले हैं, दबाव है, क्या क्या लगता है? सबसे पहला मामला तो है रमेश, उसका सुभाष चंद्रावाड़ा, यानी कि सही बदली गई कि नहीं बदली गई, हुड्डा से पूछो यही मिल जाता है तुम्हें रोज। इतने किसको वोट दिया था? वो बैलेट पेपर खाली छोड़ करके आया था, कांग्रेस हाईकमांड के कहने के बाद उसने अपना वोट आर के आनंद को नहीं दिया था, और उसने ये कहा था कि सुभाष चंद्रा मेरा दोस्त है, राजनीति में दोस्ती नहीं चला करती। लेकिन भाजपा का दबाव इतना ज़्यादा था कि उसने अपना बैलेट भी खाली छोड़ना पड़ा उसको, और दिखाना पड़ा वहाँ सबको कि ये देख लो भाई, मैं तो जो तुमने कहा वो करके आ रहा हूँ। दूसरा, भाजपा ने उसका आसान उतारा, उसके बेटे को राज्यसभा का मेंबर बना। अगर उसके सामने भाजपा किसी कैंडिडेट को खड़ा करता तो हर हालत में दीपेंद्र हारता जीतता नहीं, हर हालत में हारता, ये उसका आसान उतारा। तीसरा, फिर भाजपा की इसने मदद इस चुनाव में करी राज्यसभा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम बताए जिसका वोट कैंसिल हुआ, पार्टी का लीडर है उनकी का, उसको पता नहीं है, तो मिला हुआ है तभी नाम नहीं बता रहा ना, ये पूछो तो सही तुम उससे कि तू नाम तो बता, क्या नाम उस आदमी। नूह के अंदर जो हिस्सा हुई, और नूह के अंदर मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी कि चीफ मिनिस्टर से फ्लोर ऑफ द हाउस ये पूछता कि षड्यंत्र के पीछे कौन है बता, ये चुप क्यों हो गया, उस पर क्यों नहीं बोला? ये अपने जो इसके तीन मेंबर थे उन तीनों मेंबरों को इसने बोलने से क्यों रोका? इससे पूछो सरी। तो फिर 2024 में बीजेपी की मदद करेंगे? ये बीजेपी की मदद करेगा हर हालत में, ये तो अपने आप को मुकदमों से बचाना चाहता है। बाकी तो किसी का कहीं नाम है कि ईडी वाले ले जाते हैं, नहीं उठा के ले जाते हैं, हरिद्वार के भी लेके उठा गए, इसके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारे मामले हैं, आज तक क्यों नहीं पकड़ा इसको? पकड़ना चाहिए था कि नहीं पकड़ना चाहिए था? अगर सीबीआई ने केस दर्ज कर रखे हैं तो ईडी लेगी क्यों नहीं? अनिल विज तो कहे जेल जाने की तैयारी करे भूपेंद्र हुड्डा, दोनों हैं जमा चाचे भाई हैं, वही अलग अलग नहीं है, कहने की बातें अलग है, ऐसे एक है। अभय सिंह जी, आपने बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई तो आपने कहा था कि वो तो मेरे मित्र है और वो तो दूसरे के खिलाफ बोलते, तो क्या आप और बलराज कुंडू एक साथ मिलके धोखा तय कर सकते हैं? छोड़ो ना, कोई और चीज की बात करो यार, तुम भी ऐसी ऐसी बातें छेड़ते हो बीच में जिनकी कोई आगे नहीं पीछे नहीं लेना नहीं देना नहीं जिन चीजें। वो भी कह रहे हैं कि हम हरियाणा में हर जगह जो लड़ेंगे, लड़ो, कोई रोकता है? तू बना ले पार्टी, रोकता है कोई पार्टी बनाते हुए? प्रजातंत्र है, हर आदमी को अधिकार है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, कोई आदमी पार्टी बना सकता है। अब किसने क्या बना लिया उसका हम थोड़ा ही बताएंगे, वो अपना काम करे, वो अपनी लड़ाई लड़े, वो जाए लोगों के बीच में, कोई रोकेगा थोड़ा ही? हमारी हमारी पार्टी के लोग जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपना लोकसभा भी लड़ेंगे और हम अपना विधानसभा लड़ेंगे। ये भी बता दिया साफ शब्दों में आपको कि कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तो सोच विचार करेंगे, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने बलराज कुंडू का समर्थन किया था, मैं हमसे कोई कैंडिडेट नहीं था। क्या पता मुझे अब की बार भी कर दूं, ये बड़ी बात है।
ये तो मैंने देखना, ये आपने नहीं देखना, ये हमारी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किसको सपोर्ट करनी है, किसको नहीं करनी है। ये कोई आप थोड़े निर्णय करोगे इन बातों का। हमने पिछली बारी किसकी मदद करी, पीछे तो ये भी हमारे साथ थे, दुष्यंत भी मैंने बनाए थे पीछे, तो इसका क्या मतलब है। अच्छा सर, एक चुनाव की बात जो है वो बड़ी चल रही है, बने हरियाणा के नगर मेजोरिटी में आए, इतनी नजदीक बात लग चुकी है, कितने परसेंट लग चुके। आप कथन रैली में नहीं आए थे क्या? मैंने बता दिया, बस बता दिया, फिर पूछने की जरूरत नहीं है, राज बढ़ाऊंगा वही रोड़ा भी। कैसी तैयारी चल रही है, किस तरीके से आप लोग का संगठन तैयार हो? अब संगठन श्राद्ध चल रहे, हम श्राद्धों में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से कोई ब्राह्मण भी उंगली उठा दे तो श्राद्ध में यह काम कर जाए। ये काम बीजेपी वाले करा करे, कांग्रेस वाले करा करे, हम तो श्राद्ध के बाद अपना संगठन खड़ा करेंगे। आज इन साथियों से इसी सिलसिले में मिल रहे हैं कि भाई जो जो संगठन में काम करना चाहता है मुझे अपने नाम दे, मैं फिर उन सब साथियों को पार्टी के अंदर उनको एडजस्ट करूंगा, उनकी जिम्मेवारी लगाऊंगा। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र, हम किसी को किसी पे थोपते नहीं। इसलिए मैंने आज इन सबको मैसेज किया, अभी सारे साथी मिलना और मैं इनसे पूछ के जाऊंगा, बताओ भाई जो जो काम करना चाहता है वो मुझे नाम दे दो, क्योंकि काम सब ने किया तभी रैली इतनी बड़ी हुई, अदरवाइज तो रैली बड़ी हो ही नहीं सकती। लोगों ने बहुत रोकने की भी कोशिश करी। आज फिर पूछूंगा इनसे, जो जो नाम आएंगे इन सबकी जिम्मेवारी लगाऊंगा, जब जिम्मेवारी लगाऊंगा तो राज बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसका संगठन होता है और जिसके संगठन में डिसिप्लिन होता है वो सत्ता में आते हैं।